बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा नदीम और आप देख रही हैं मेरा टीवी। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर की इचरा मार्केट में। यहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे कि बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन की जानिब से वापस ले लिया गया है, इससे मुतलिक इनका क्या कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है या नहीं। अब अगर PTI के सपोर्टर किसको वोट डालेंगे, उनको इंतखाबी निशान क्या अलाट किया जाएगा, इससे मुतलिक अवाम की राय जानते हैं कि अवाम का क्या कहना है। आइए चलते हैं पब्लिक की तरफ। मुझे बताएं आप किसको सपोर्ट करते हैं पार्टी में? PTI को। PTI को सपोर्ट करने की वजह? वो इसलिए कि वो बहादुर लीडर है। जो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस ले लिया, इससे मतलब क्या कहेंगे? वो लोग एहतजाज करके खुद ही वापस ले लेंगे। ले लेंगे जी। नाजिम का कहना कि बल्ले का निशान हम लोग खुद ले लेंगे, अवाम की इतनी ताकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताया जो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस ले लिया है, इससे मतलब क्या कहेंगे? हम कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों कुछ नहीं कहेंगे? हम नहीं कहेंगे जी। नाजिन और भी लोगों से बात करते हैं, उनकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, जो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस ले लिया है, इससे मतलब क्या कहेंगे? तो मैं तो दूंगा शेर में। शेर में क्या? मैं शेर में दूंगा। शेर तो देने की वजह डर गए ना, तो बल्ले का निशान वापस ले लेता। मैं भी डरता। डरते मैं डरता, मैं शेर में देना जी। नाजिम आवाम के इतना डर बैठ चुके हैं, वो यही कह रहे हैं कि ऐसी जो मर्जी हुई है असी शेर में वोट पाने। मजीद लोगों से बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस ले लिया, क्या ये फैसला दुरुस्त है? पता नहीं छोड़ दे जी। नाजिम आवाम डर चुके हैं, वो कुछ भी नहीं कहना चाह रही। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस, मुझे बताएं जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, क्या ये दुरुस्त है? नहीं। आप इसको क्या कहती हैं, सपोर्ट करती हैं? हम इमरान खान को। तो फिर क्या जो फैसला दुरुस्त नहीं है? नहीं दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये वापस आ जाएगा जैसे इमरान खान बाहर आएगा, वैसे ही वो भी आ जाएगा। अगर बल्ले का निशान खत्म हो जाता है तो फिर किसको वोट देंगे? फिर भी हम इमरान खान को ही देंगे, चाहे वो नवाज शरीफ, अगर नवाज शरीफ का भी निशान रख देते ना ये, तो वोट हम इमरान खान को ही देंगे जी। नाजिम जितने मर्जी निशान डाले, वोट इमरान खान का ही है। हाँ, हम इमरान खान को ही देंगे और लानत भेजते हैं नून लीग पे और उनके फॉलोअर्स पे भी। जी नाजिम, नाजिम का कहना कि हम नून लीग वाले पे लानत भेजते हैं और मजीद लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। नहीं मैंने नहीं, इतना डर क्यों है? और नहीं नहीं मैंने भी नहीं देना तुम्हें, आप दे दें, आप दे दें वो भाई। अच्छा आप नहीं के हक में बोले कि इतना डर है, अगर आवाम ने डरना तो फिर डर के तो यही हालात रहने हैं। डरना आप उनको दे रहे हैं वो। नाजिम आवाम डर चुकी है, आवाम कहते हमने कुछ भी नहीं बोलना। जी किसको वोट देना? शेर को। क्यों? बस अच्छी है वो, शुरू से उन्होंने लाहौर में काफी काम किया, उन्होंने शेर को, शेर को वोट देना है, शेर को देना है। ये मेरा साइलेंट वोट है जिसको हमने देना है, इंशाल्लाह देंगे। नून लीग PTI नून। आप किसका सपोर्ट करते हैं? हाँ ये मैं बाजी के जो वक्त का पहिया अच्छे तरीके से चलाएगा मैं उसको सपोर्ट। तो कौन वक्त का पहिया चलाएगा? हम लोग किसको ले करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करते, कह सकते अभी किसी को कुछ हम मुंतखिब नहीं कर सकते। जो अच्छा हमें रिस्पांस देगा हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा सर, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, इससे क्या कहेंगे? अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? बस ठीक है, इतना ही होता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जो ना आत मचा दी थी महंगाई की वजह से। तो महंगाई की वजह से आत मचाई थी, नॉन लीग के डर इतना क्यों हुआ कि डर की वजह से उन्होंने निशान ही वापस ले लिया? निशान किसका हुआ? बल्ले का निशान के, अगर हम वोट डाले जाएंगे बल्ले का निशान वापस नहीं होगा, ये फैसला हुआ है, तो क्या ये सही है? हमारे लिए तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम शुरू से नॉन लीग की है। नॉन लीग? हाँ। यानी नॉन लीग इतने क्यों ट्वीट है कि इतना कुछ हो गया, कैसे मर भी जाना पड़ा था रहना है? है क्योंकि उन्होंने साढ़े ऐसे बड़ा कुछ किया है, अच्छी गल है। पुल जरा बनाया ना उन्होंने बनाया, भावे रोटी रे खाते दिन खाते रोटी खाने पुल की करते नहीं भी होगी रोटी, फिर भी बंदे ने खा के सोनी होंगी। रब ने उनका वादा किया, उनका वादा इन्होंने नहीं किया, और रोटी का रब ने वादा किया, असं मेहनत करने रब सन दे देता है। लेकिन डर बहुत आवाम में भर चुके हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या सच है क्या गलत है, और मैं जिलों से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम नून लीग को। नून लीग को सपोर्ट करने की वजह? हमारी रगों में नून लीग है। रगों में नून लीग? हमारे खून में नून लीग है। नून लीग है, लेकिन आप मुझे बताएं क्या नून लीग ने बेहतरी की है? नून लीग ने इतने काम किए माशाल्लाह, इतने काम किया, आटा महंगा किया, घी महंगा किया, बिलों में इतना इजाफा, सोने का रेट काफी ना मैडम, ये तो बातें बोलो। इमरान खान की उम्र, इमरान खान को 3 साल में भी वो कहता की साबका उम्र थे, हम लोग अभी मैदे बढ़ रहे हैं। अगर इमरान खान 3 साल हो रहा था ना तो शायद हमारे सांस बंद हो जाते। अभी सांस चल रहे हैं, अभी सांस चल रहे हैं।
अगर नौ लेके दोबारा हुकूमत आएगी ना इंशाल्लाह फिर दोबारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर अगर लेके सब कुछ बाहर भाग जाएंगे फिर कौन जिम्मेदार है? नहीं बाहर भागेंगे, पहले कौन से बाहर भागे हुए थे? अब तो आए हैं नवाज शरीफ साहब इतनी देर बाहर, अब आए हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को संभालेंगे। पैसा खत्म हो जाएगा वापस आ जाते हैं और हमारी आवाम ऐसी है की अगेन पैसा देने के लिए अपने आप को लुटाने के लिए तैयार होते हैं।